इंजीनियरिंग एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 ईयर्स राइट। सो फिलहाल जो है मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स के पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाने वाली हूँ। पेपर कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट इज 102101 राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है बेटा, है ना। अब यहाँ पे हमें दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, पहला कौन सा है इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वर्ड विल बी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रो क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। अगर मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू आपको मैं दूं तो इलेक्ट्रो यानी कि अगर हम एक स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, स्टैटिक यानी कि किसी भी रुके हुए चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट। वही पार्ट अगर हम ये बोले कि अगर वही चार्ज जो है बेसिकली मोशन में है राइट, तो मूविंग चार्ज है अगर, तो वहां पे हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में राइट। और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिज्म में जब भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है या फिर मोशन में होता है वहां पे मैग्नेटिज्म आता है, क्योंकि वहां पे करंट डेवलप होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसके पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहला है अपने पास मॉड्यूल नंबर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, या फिर मैं फ्री स्पेस की बात करती हूँ, बेसिकली दीज आर द मीडियम्स। ठीक है, तो लाइक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम पढ़ेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, कितने टाइप के मीडियम्स होते हैं, उनमें से एक मीडियम है अपने पास वैक्यूम, एक मीडियम होता है दैट इज फ्री स्पेस। तो जनरली हम दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। सो इसमें लेट मी चेंज द पेन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अपने पास है बेटा एक पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, लाइन चार्ज क्या होता है, एंड सरफेस चार्ज क्या होता है। ठीक है, सरफेस चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है राइट, या फिर मैं बोलूं कि चार्ज यानी कि Q से अगर मैं इसको डिनोट करती हूँ तो Q का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कूलम्स लॉ क्या होता है राइट, कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ बेसिकली जो है फोर्स से रिलेटेड है, यानी कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हम लगाते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम अच्छे से करेंगे, और कूलम्स लॉ को ही अगर मैं फर्दर उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊं तो वही होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करूंगी, आई विल गेट एफ डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म। इस तरीके से जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली इसके आगे का जो सिग्निफिकेंस है या फिर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, बेसिकली वोल्टेज के फॉर्म में होती है, सो दिस इज वोल्ट्स राइट। सो वी विल स्टडी इन डेप्थ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइवर्जेंस का और कर्ल का राइट। डाइवर्जेंस क्या है, अगर मैं कोई भी फॉर्म को डेल डॉट, लेट सपोज कोई भी मैंने स्केलर लिया है, वेक्टर लिया है, स्केलर और वेक्टर का मैं आपको ये भी बता दूं कि बेसिक से हम बिल्कुल जो है स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वी विल डेफिनेटली स्टडीड अबाउट दैट। कूलम्स लॉ के भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे, स्केलर कूलम्स लॉ यानी कि स्केलर फॉर्म क्या होती है कूलम्स लॉ की, और एक वेक्टर फॉर्म क्या होती है कूलम्स लॉ की राइट। कितने टाइप के जो है हमारे वेक्टर के लॉज हम जो है अभी तक पढ़ते आए हैं, यानी कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी में ये आता है वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं बात करती हूँ, लेट सपोज कोई भी मैंने वेक्टर ए लिया है, और ए वेक्टर को मैं इस तरीके से एरो की तरह अगर मैं डिनोट करूँ, और ये डेल है, दिस इज आवर डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे राइट। तो डेल ऑपरेटर कह लो या फिर ये डेल का ऑपरेशन कह लो। ठीक है, सो डेल डॉट ए बेसिकली डिफाइंस द डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सिमिलरली कर्ल क्या है, कर्ल है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट स्टिल आई विल मेक यू रिकॉल इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स।
ठीक है, तो डेल क्रॉस ए की अगर मैं बात करती हूँ तो ये यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मुझे जो भी मिलेगा वो मिलेगा कर्ल की फॉर्म में, राइट, सी यू आर एल, ठीक है, कर्ल की फॉर्म में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज लैपलास एंड पॉइजन इक्वेशन, क्या क्या होती हैं ये जो दो साइंटिस्ट है लैपलास और जो भी पॉइजन इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, और उनके जो भी हमारे स्टेडी स्टेट की वैल्यूज होती हैं वो कुछ डेरिवेशन है वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टडी अबाउट द फैराडेज केज एंड कॉफरिंग इफेक्ट, उसके अलावा है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस हमारी कब आती हैं, जब हम इस तरीके से जो है दो टाइप के मीडियम हम कंसिडर करते हैं, लेट सपोज दिस इज आवर मीडियम वन एंड दिस इज आवर मीडियम टू, तो बाउंड्री क्या है इन दोनों की, जो है एंड पॉइंट का जो भी हम इसको कह ले, जो भी सेपरेशन पार्ट है जो इन दोनों को अलग कर रहा है, इस बाउंड्री की वैल्यू पे यानी कि इस लाइन पे जो भी हमारी फॉर्मुलेज हैं या फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से चेंज होगा, दैट इज नोन टू बी द बाउंड्री कंडीशंस। कुछ और पैरामीटर्स है जो हमारे बाउंड्री पे डिफर करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं इप्सिलॉन आर वन की, इप्सिलॉन आर टू की, ये क्या है, दीज आर बेसिकली द रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, दिस इज फॉर फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज फॉर द सेकेंड मीडियम। आई होप दिस इज करेक्ट, राइट, दिस इज फाइन, आगे चले। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी मेथड ऑफ इमेजेस क्या है एंड एनर्जी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एक्सप्रेशन, यानी कि इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी की डेरिवेशन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। आई होप मॉड्यूल वन इज क्लियर, राइट। मॉड्यूल टू को अगर मैं बताऊँ तो मॉड्यूल टू है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की बात की है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, डायलैक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर क्या होता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो एकदम बेसिक से बेटा मैं आपको पढ़ाती हुई चलूंगी, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 11th 12th में अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपके मिस हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी विल स्टडी इन डेप्थ एंड द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, जो जो बेसिक से लेके जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो है कुछ गेट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी गेट पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो गेट के क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी ताकि आपको हेल्प हो सके आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा है बाउंड चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या है, ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है गाइस। आगे है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस ऑन द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, राइट। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक का पूरा मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी। डाइलेक्ट्रिक लाइक पॉइंट चार्ज, अगर मैंने किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, लेट सपोज इफ दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई भी एक पॉइंट चार्ज मैंने सेंटर पे रख दिया है, ठीक है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज यहाँ पे हमें जो है लाइक पॉइंट चार्ज है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उसके पोटेंशियल में क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो पोलराइज होता है अपने स्फीयर से, आसपास के सराउंडिंग से या नहीं होता है, आई विल डिस्कस विद यू। सो चार्ज इन फ्रंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर मान लो हमने कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली है, ठीक है, अगर इसके फ्रंट में कोई भी चार्ज रखा है तो उसके पैरामीटर्स या फिर फॉर्मुलेज किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टडी अबाउट द डायलैक्ट्रिक स्फीयर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने कोई भी एक डायलैक्ट्रिक का स्फीयर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे जो है हमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये है कि फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो हम बेसिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, फोर्सेज कैसे अप्लाई होती है। जो मॉड्यूल टू है वो हम बेसिकली डायलैक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा डायलैक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। पहले क्या था, वैक्यूम में हमने चीजें पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे डायलैक्ट्रिक मीडियम में। यहाँ पे जो मेन फंडा है बेटा वो है डाइपोल का और पोलराइजेशन का, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स ही हम अच्छे से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट द मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा आता है बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, इसको टी कर देना, दिस इज बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहलाता है ये हम अच्छे से चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन में और जो करंट है उसके रिलेशन में बेसिकली हमें वैल्यूज देखने को मिलते हैं। जो भी हमारा फॉर्मूला होगा आई विल डिस्कस इट लेटर इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स।
डाइवर्जेंस क्या होती है, कर्ल क्या होती है ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक की वजह से हमारे जो है डाइवर्जेंस और कर्ल क्या फॉर्मूले बनेंगे, किस तरीके से वो एक्सप्रेशन रहेंगे, डाइवर्जेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अगर हमने अपना जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली जो है कर्ल से रिलेटेड है, डेल क्रॉस एनी वेक्टर ए, ठीक है, इस तरीके से एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो, लेट सपोज वेक्टर एफ ले लिया मैंने, ठीक है, तो कर्ल को जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है स्टोक्स थ्योरम। ऐसी हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम होती है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डेल डॉट यानी कि डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को, जैसे मैंने अभी बताया कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना बेसिकली वो डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है, एंड कर्ल अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द स्टोक्स थ्योरम। द इक्वेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर अ गिवन करंट डेंसिटीज, यानी कि अगर हमें जो है करंट डेंसिटीज की वैल्यू गिवन है तब हम जो है वेक्टर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दोज इक्वेशंस, ठीक है। ये था मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की हमने यहाँ पे बात कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, तो बेसिक से लेके एंड तक मैं पूरा अच्छे से आपको कवर करवा दूंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स इन अ लीनियर मैग्नेटिक मीडियम। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी हमारी करंट वैल्यूज होती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी बाउंड्री कंडीशंस किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मॉड्यूल 1 में जो थी बाउंड्री कंडीशंस दोज वर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बाउंड्री कंडीशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा है अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज मटेरियल्स आर आल्सो रिलेटेड टू द सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन अभी सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, आपके मॉड्यूल में नहीं है, सो वी विल डिस्कस इट इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स, ठीक है, ये हम मान के चल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी बताऊंगी, ओके गाइस। So, we will discuss about that and a discussion of the magnetic field in presence of the magnetic materials, right? So, we will discuss about this topic also, ठीक है? I hope module number 4 will be clear, हमें किस तरीके से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है। Next topic or we can say the next module is about the Faraday's law. Faraday's law क्या होता है? Faraday's law जो है basic सा है, 11, 12th में आप ऑलरेडी इसको कर चुके हो, बट स्टिल मैं उसको फिर से आपको करवाऊंगी, एकदम बेसिक से लेके एंड तक पूरा अच्छे से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो फैराडेज लॉ इन टर्म ऑफ ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होती है और इन्हीं दोनों का यूज करके बेसिकली फैराडेज लॉ क्या होता है, आई विल डिस्कस इट विद यू, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इमोशनल ईएमएफ, लेंज लॉ क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, लेंज लॉ क्या होता है और वो किस तरीके से फैराडेज लॉ से रिलेटेड होता है। इसके अलावा हम इसके ब्रेकिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस भी हम अच्छे से करेंगे। नाउ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ एक्सप्रेसिंग कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन क्वासी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। अरे बाप रे, ये क्या लिख दिया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या है, फैराडेज लॉ को ही बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और बाय यूजिंग कर्ल यानी कि डेल क्रॉस की फॉर्म में हम किस तरीके से हम फैराडेज लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है गाइज। आई होप दिस इज क्लियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, एनर्जी लाइक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेरिवेशंस क्या होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दिस आल्सो, ठीक है। तो आई होप मॉड्यूल नंबर 5 इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 है अपने पास बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर द करंट डेंसिटीज, फिर उसके बाद जो है अगर कोई भी
लाइक कोई भी इक्वेशन है जो कि मॉडिफाई हुई है यूजिंग दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेसिकली अराइज होता है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है एक्सप्रेशन में हमें जो है टाइम देखने को मिले, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम के साथ जो है किस तरीके से हमारे मैग्नेटिक फील्ड और अदर पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती है, राइट। अगर मैं ये आपको बोलूँ कि टाइम मेरा बढ़ रहा है तो इस हिसाब से एज भी बढ़ रही है, राइट। सो एज इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि टाइम पे डिपेंड होंगे, वी विल डिस्कस इट। कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्वासिस्टेटिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो ये सेम टॉपिक रहेगा अपना जैसा पहले था। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टडी अबाउट द मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस में कैसे होगा, और नॉन कंडक्टिंग मीडियम, या तो हम इसको डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं जो कि कंडक्ट ना करे, या फिर हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो हम मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, वी विल डिस्कस इट। एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में हमें देखने को मिलती है, वी विल डिस्कस इट। सो दैट इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल नंबर 6, ठीक है। तो पूरे के पूरे मॉड्यूल में हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे ध्यान रखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पता करना है, और हमें मैक्सवेल इक्वेशंस को टाइम डिपेंडेंट और टाइम इनडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों फॉर्म में ही हमें चेक करते हुए चलना है। सो आवर नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी मॉड्यूल नंबर 7 एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इसमें हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा जो है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम क्या होती है, और उनका ट्रांसवर्स जो है नेचर क्या होता है, और वेव्स जो है किस तरीके से पोलराइज्ड होती है। तो ये पोलराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको आपको अच्छे से डीप में सिलेबस के साथ जो है बताते हुए चलूंगी, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या रिलेशन होता है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एंड कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जिसमें एनर्जी की जो है हमें बात करनी होगी। मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिजल्टेंट प्रेशर, तो मोमेंटम और प्रेशर पे क्या जो है चेंजेस आएंगे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी विल डिस्कस इट आल्सो। एंड इसके अलावा है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे होगी, लेट सपोज अभी हमने ऑलरेडी जो है बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो इस तरीके से अपना जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्लेक्शन वेव, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करती हूँ तो इस तरीके से जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, सो दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो हमें जो है बेसिकली दो मीडियम की यहाँ पे बात करनी होती है, ठीक है, दो मीडियम की बात करनी होती है, लेट सपोज दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, राइट। तो वेव्स अगर इस तरीके से हमारी आ रही हैं, ठीक है, या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी या फिर वो आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट क्या होगी और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है इस तरीके से, ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन वेव्स हो जाएंगी, ये है अपने पास इंसिडेंट। और रिफ्लेक्शन जो हम इस केस में लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि सेम नॉर्मल इंसिडेंट प्लेन से ही वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये रहेगी अपनी इंसिडेंट वेव, ये रहेगी अपनी ट्रांसमिशन वेव, और ये रहेगी अपने पास रिफ्लेक्शन वेव्स, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, आई होप दिस इज क्लियर। तो मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 7 तक आई होप जो भी सिलेबस है वो आपको क्लियर होगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग अच्छे से इसको करते जाएंगे। तो फटाफट से जाके आप जो है फॉर्मुलेटर की ऐप है, फॉर्मुलेटर की ऐप को आप डाउनलोड कर लो। फॉर्मुलेटर की ऐप जो है बेटा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे जाओ, जस्ट टाइप फॉर्मुलेटर, ठीक है, फॉर्मुलेटर आप वहाँ पे टाइप करोगे, यू विल गेट ऑल द वीडियोस एंड द स्टडी कंटेंट और द स्टडी मटेरियल वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। तो आज ही जाके फॉर्मुलेटर ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लेना आप, और इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स होंगे, अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, आपको यहीं पे जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। और फॉर एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, योर ऑल क्वेरीज विल बी आंसर्ड, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।